हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम लोग फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जिससे बबुआ इस छोटे से वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर एकदम पक्का हो गए हैं। 4 नंबर तो भैया एकदम पक्का है इस वीडियो से आपको, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग दर्पण फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीखेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से मतलब दर्पण के सूत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको भैया चुभ रहे हैं, कांटे की तरह गुलाब तोड़ना चाह रहे हो लेकिन कांटे के डर से नहीं भैया तोड़ पा रहे हो, तो आज के बाद भैया बहुत ही मज़ा आएगा। अब आप भैया इतने फास्ट गुलाब तोड़ोगे आज के बाद कि सोचा नहीं होगा सपने में आप कि ऐसे भी भैया हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे चांद सितारों, मेरे प्यारे बालकों, आज हम लोग करेंगे दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2023 में तो आप लोग कहीं ना कहीं से मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे और उसमें आपको दर्पण फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर नजर आया होगा प्यारे। तो आपको तो पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही आराम से बैठकर और ध्यानपूर्वक देखनी है, ठीक है। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, चलो भैया हो जाओ तैयार, सतुआ पिसान बांध लियो, चलो हम शुरू करें जाए थे बच्चा। दर्पण फार्मूला, आपको पहले फार्मूले के बारे में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर हम आ रहे हैं क्वेश्चन लेकर बहुत धांसू धांसू। दर्पण सूत्र फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। इसमें भैया 3 प्रेत आत्मा है, F, U और V, इन तीनों के बारे में जान लो। F है आपका फोकस दूरी और V है आपका दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे, V से लिखेंगे, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे चांद सितारों, इतनी बात क्लियर है। अब गलती कहाँ होती है बच्चों से वो सुनो, चिन्ह की गलती होती है, तो आज के बाद नहीं होगी। देखो नहीं होगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दर्पण कितने हैं आपके पास, 2। कौन कौन से, एक तो है उत्तल और एक है अवतल, 2 ही तो हैं कि 4 हैं, 2 है बच्चा। कौन कौन सा, पहला है आपका अवतल और दूसरा है आपका उत्तल, ठीक है। तो जब अवतल की बात होगी तो अवतल में स्मॉल एफ, वी और यू, और इसमें भी यही 3 लोग, एफ, वी और यू, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण की बात की जाएगी वहां पर एफ की वैल्यू को हम हमेशा माइनस में लेंगे, वी की वैल्यू को हम माइनस में लेंगे, यू की वैल्यू को हम माइनस में लेंगे, लेकिन वी की वैल्यू कभी कभी आपका आंसर प्लस में भी आएगा, कभी माइनस में। ऐसा क्यों, देखो जब प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बनेगा, देखो आप ऐसे, ये आपका हो गया दर्पण, ठीक है, ये बाहर से कलई कर दो, ये अवतल दर्पण बन गया। तो जब आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा दर्पण के सामने, तब क्या होगा, तब V की वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन अगर कहीं अगर इसका प्रतिबिंब पीछे बन गया तो V की वैल्यू प्लस में, लेकिन V की वैल्यू माइनस में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब उत्तल में भैया सब प्लस में रहेगा, उत्तल में तो भैया सब प्लस में रहेगा लेकिन U माइनस में रहेगा, V को हम प्लस में रखेंगे लेकिन U को माइनस में रखेंगे। बस इतने चिन्हों को आप लोग अपनी खोपड़िया में भैया सेव कर लें तो मज़ा आई जाए। अब तो अब हम शुरू करते हैं भैया कहानी आज के न्यूमेरिकल की, मजा ना आए तो पैसा वापस है बच्चा। तुझे कितना सुंदर रब ने बनाया, चलो बच्चा
तो आपका पहला शानदार क्वेश्चन है भैया, सामने स्लाइड पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मतलब ये है बच्चा कि एक अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है अवतल, तो अवतल दर्पण में एफ मतलब फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, वी माइनस में, यू भी माइनस में। पहले दर्पण का पता लगाओ, दर्पण उत्तल है या अवतल, सबसे पहला काम यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दर्पण है अवतल, फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है कोई वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी सॉरी तबीयत नहीं सही है। तो आपका ये पहला भैया क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से, यफ दे रखा है, क्या क्या दिया है वो लिख लो पहले, यफ दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण है अवतल इसलिए माइनस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे प्यारे। और क्या दे रखा है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, और वस्तु की दूरी मतलब u दे रखा है माइनस 20 सेंटीमीटर, u है पता आपको माइनस 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, मतलब यह हुआ कि हमको v निकालना है। तो चलिए करेंगे क्या, दर्पण सूत्र से लिखिए आप, दर्पण सूत्र से, दर्पण का सूत्र है क्या प्यारे, 1/f = 1/v और प्लस में 1/u, बस सबकी वैल्यू को उठाओ और पटक दो इस सूत्र में, तो 1/f, एफ की वैल्यू -10, तो माइनस यहाँ आगे लगा लो, कोनो दिक्कत नहीं, बराबर में 1/v, वी को तो भैया हमें निकालना है, प्लस में 1/u, यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा इसको सही कर लो कि -1/10 बराबर में 1/v, ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा प्यारे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो हमें किसको निकालना है, हमें v को निकालना है ना, v का पता लगाना है, तो v को एक तरफ रखो, इसको इधर भेज दो, तो क्या करेंगे हम, v को एक साइड रखेंगे 1/v, और जब इसको इधर भेजेंगे तो ये -1/20 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो और इधर जाके ये 1/20 हो गया, और इधर -1/10 पहले से बैठा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कैसे कि सर ये क्या लिख दिया, 1/v इधर था, आपने इसको इधर भेजा, तो ये क्या हो गया मेरे चांद सितारों, देखो 1/v इधर बचा, ठीक, और ये आपका अपने स्थान पे बैठा हुआ है, ये इधर जाके प्लस में 1/20 हो गया, प्लस 1/20 -1/10 ये है, इक्वल में 1/v, तो 1/v को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भैया, अब आपको बचपन में जो सिखाया गया था एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो 10 और 20 का एलसीएम होता है 20, अब ये भिन्न तो सॉल्व करना जानते हो बच्चा, बचपन से आ रहे हो सॉल्व करते, 20 एक कम 20 एक 10 दुन्ना 20, तो ऊपर 2 का गुणा, तो 1/v = -1/20, पलट दे उठाई कह, तो क्या हो जे, देखो अब इसको दो तरीके से सॉल्व कराते हैं सब, कोई कोई टीचर क्या करते हैं, कहते हैं इसको तिरछा गुणा करो तो -b = ये 20 हो जाएगा, फिर ऐसे वैसे करके, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ क्या करो, पलट दो, आपको v की वैल्यू चाहिए लेकिन ये 1/v है, तो जब पलटोगे अब बस ये समझ लो कि आंसर कैसे निकाल रहे हैं हम, पलटो उल्टो मन हो जोन करो यार, तो v = b/1/1 लिखने कोई जरूरत नहीं, और ये 1/20 है तो 20 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ भी नीचे आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, तो -20 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आई है प्यारे -20 सेंटीमीटर। अब हम ई देख ली बच्चा कि आपको दिख तो रहा है कि नहीं, जगह की तो कमी नहीं है, नहीं भैया भरपूर जगह है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर एक लाइन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर एक लाइन आप ये लिख दीजिए, अतः क्वेश्चन पहले देख लें क्या पूछा था, उसी अनुसार लिखेंगे,
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब आप एक बात फिर बोलेंगे कि सर माइनस 20 सेंटीमीटर आंसर आया है तो आपने प्लस 20 सेंटीमीटर क्यों रखा? तो मेरे चांद सितारों, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। यहां माइनस ये बता रहा है, यहां पर माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है। ये आपका दर्पण है तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, बस माइनस ये बता रहा है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं लिखी जाती। अगर दूरी पूछ कहे तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो यहां पर माइनस का बस इतना ही खेला है कि माइनस ये कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनना है वो दर्पण के सामने बनना है। मेरे चांद सितारों, ये क्वेश्चन बर्बाद हो चुका है। अब हम चलते हैं भैया सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिख भी गया होगा क्वेश्चन। हम भी भैया देख लें क्या कह रहा है। ये भी अवतल दर्पण का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या हो गया भैया, उल्टा क्यों हो रहे हो? वो क्या कर रहे हो तू? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें बदला यह है क्या वो मैं बता रहा हूं आपको। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? हमें इसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, और ये है माइनस 20 सेंटीमीटर। सर माइनस तो नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो प्यारे दर्पण अवतल है ना, तो अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस में लेना है हमें। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ कि हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन है, वो रिलेशन है क्या, ये बताओ मुझे जल्दी से बताओ। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फोकस दूरी एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, जहाँ पर स्मॉल एफ है फोकस दूरी, कैपिटल आर है वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी कर दो, जो आएगा वो फोकस दूरी होगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या माइनस 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो फोकस दूरी निकाल लो भैया। फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो लेकिन माइनस है तो माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें केवल वक्रता त्रिज्या दे रखा था, फोकस दूरी नहीं दे रखी थी, लेकिन हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से हमने फोकस दूरी निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है? कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? u से, और u की वैल्यू माइनस में लेंगे, और है कितनी? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब हमको v को फाइंड करना है। तो चलिए दर्पण सूत्र से लिखिए, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र है क्या? 1/F = 1/V + 1/U। ठीक, वैल्यू सब पता है, उठाई के रख दियो बच्चा। 1/F का वैल्यू कहा है हो? -10 बराबर 1/V। वी तो नहीं पता है, कौनो बात ना है हो। यू कतरा है? -15 सेंटीमीटर हो।
चलो अब ये माइनस वन अपॉन दस बराबर वन अपॉन वी माइनस और प्लस माइनस वन अपॉन पंद्रह। वी चाहिए तो वी को एक तरफ रखो, इसको इधर ले लो, तो बचेगा क्या, एक तरफ वन अपॉन वी अकेला बचेगा, उसको हम लोग इस साइड में कर लिए, ठीक है, सेम पहले की तरह। अब माइनस एक बटे पंद्रह किधर भेजब तो हो जाए भैया प्लस एक बटा पंद्रह, और इधर माइनस एक बटे दस पहले से बैठा है तो भैया हो एक तो भिन्न साल का ही डारो फिर से, पंद्रह और दस का एलसीएम, पंद्रह दुना तीस, दस दिया तीस, तीस आएगा एलसीएम। अब पंद्रह दुना तीस होता है तो एक में किसका गुड़ा, दो का गुड़ा, माइनस दस दिया तीस तो एक में तीन का गुड़ा, तो वन अपॉन वी इक्वल टू तीन में यहाँ यज दुई जी हैं तो बची हैं माइनस यज बटा तीस, यहो उल्ट दियो तो वी उल्टोगे तो वी अपान वन, अपान में वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एक बटे तीस, तीस बटे एक, एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आएगा क्या वी बराबर माइनस तीस सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से तीस सेंटीमीटर दूरी पर बनता है या बनेगा, ठीक है, जो भी है हो गया काम खत्म। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें दर्पण बदल गया है बच्चा, अब इसमें उत्तल दर्पण आ गया है, ठीक है, तो ये इसको हम हटा दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या हो जाएगा काम इतने में अपना, हो जाएगा नहीं इतने में ऐसे हो जाएगा। चलो कोशिश करते हैं, अगर जगह की कमी रहेगी भैया, हमको जगह की कमी सताएगी तो हम इसको हटा देंगे, अन्यथा हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको तो हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें, ये बात आप जानते हो, आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो ना, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग ये, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़े बिना हुए ना काम। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण आ गया है उत्तल। अब आगे, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, फिर से प्रतिबिंब की स्थिति निकालो। अब दर्पण है उत्तल, इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो जो जो आपको दिया है उसको लिखो पहले। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, ठीक है, क्या दे रखा है, फोकस दूरी, दर्पण है उत्तल और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दे रखा है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, मतलब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है, यू, यू है 20 सेंटीमीटर, लेकिन 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 जो वस्तु की दूरी है वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में माइनस में ली जाती है, ठीक है, तो ये माइनस 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, अपने को तो निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि मतबली कि भी निकालो। चलो दर्पण सूत्र से होगा क्या, लिखिए दर्पण, ये का होगा घटना घट गई भैया, ध्यान हटी की दुर्घटना घटी, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है प्यारे, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू, ठीक, सब उठाए के पटकोए वहां, वन अपॉन एफ, एफ की वैल्यू 15, वन अपॉन वी प्लस वन, अब इसको एक स्टेप हम शॉर्टकट कर दे रहे हैं, जानते हो कैसे, U की वैल्यू है माइनस में और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/20, ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, प्लस है लेकिन ये U की वैल्यू जब माइनस 20 रखेंगे तो ये वाला माइनस इस फार्मूले वाले प्लस को माइनस बना देगा, जैसे यहाँ पर बन गया था ना ये, अब एक स्टेप शॉर्ट कर दिए।
अब इसको इधर भेजो तो 1/v भैया इधर अकेला बचेगा और 1/20 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20 और प्लस में 1/15 पहले से है तो 1/v इक्वल टू 20 और 15 का एलसीएम 20 दुना 40 20 तिहाई 60 और 15 चौक 60 60 होगा भैया 60 हो गया एलसीएम अब 20 तिहाई 60 तो 3 प्लस 15 चौक 60 4 तो 1/v इक्वल टू 4 3 7 बटे में 60 ठीक पलट दो भैया ये होगा तो उससे फ़ायदा क्या होगी उससे फ़ायदा ये होगा कि v इक्वल टू 60/7 7 × 7 मैंने 7 × 1 = 7 7 × 8 = 56 और 4 = 60 तो लगाओ दशमलव और 40 × 7 = 35 फिर 35 × 5 = 40 और हो जाएगा 50 × 7 = 49 ठीक है तो v की वैल्यू क्या आई v इक्वल टू हटाओ भागो v इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर अब यहाँ पर एक चीज़ जानते हो आप ध्यान दो कि अभी तक जो v की वैल्यू आ रही थी इन दोनों क्वेश्चनों में माइनस में आ रही थी क्योंकि दर्पण कौन सा था अवतल और यहाँ पर देखो v की वैल्यू प्लस में आई है क्यों क्योंकि दर्पण हमारा है उत्तल और उत्तल दर्पण में v हमेशा आपका प्लस में रहेगा आंसर भी हमेशा प्लस में ही आएगा उत्तल दर्पण में ठीक है तो आप लिख दो अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा ठीक है क्वेश्चन खलास ये तीन क्वेश्चन आपके भैया कंप्लीट हुए मुझे नहीं लगता कि किसी को मज़ा नहीं आया होगा इस क्वेश्चनों में ठीक है तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे चांद सितारों और वीडियो को खूब शेयर कीजिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ओके तो हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि वीडियो आएंगे आपको पता नहीं चलेंगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे आप लोग तो इसलिए वीडियो को खूब शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही प्यार आप लोग देते रहिए मिलेंगे एक नए वीडियो में बाय बाय सी यू अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ठीक है ले लो